कई बार बना पर कुछ न कुछ ड्रामा में था नहीं, तो वापस कैंसिल हो गया। आज ड्रामा में फिक्स था। तो बहुत समय से आपकी प्रेरणा, वैसे दीदी होनी चाहिए, 15-20 दिन में आपको आना ही चाहिए एक बार, पर बड़े समय के बाद आप आए हो। तो आप जानते ही हो दीदी, यहाँ सब बाबा के 2 साल से चारों तरफ के बच्चे हैं, देश विदेश दोनों, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कैलकटा, नॉर्थ ईस्ट, और फिर बाकी विदेश के भी बच्चे हैं बाबा के। कोई रह तो नहीं गया इसके अलावा? हाँ, और दिल्ली तो है ही है, दिल्ली राजधानी, तो राजधानी वाले तो है ही। अब आप क्या प्रेरणा देंगे हम सब बच्चों को? तो आज अभिषेक दीदी को इसलिए इनवाइट किया, बहुत दिन हो गए, और दीदी याद भी करते रहते हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, आदि रतन, एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, अनमोल हीरा हमारे बीच में है, ब्रह्मा बाबा के समय के। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य हम सब बच्चों का है। तो इसलिए ऐसे आदरणीय दीदी का पुनः बाबा के इस बगीचे में, इस फुलवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। इस फुलवाड़ी में खाद डालें। ओम शांति। ओम शांति और बोलो। ओम शांति। आज बहुत समय के बाद सभी भाई बहनों को मिलने का मौका मिला है। आप सभी बाबा के गॉडली स्टूडेंट हो, और गॉडली स्टूडेंट के नाते हम ये समझते हैं कि हम उस सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। तो हम सब जो पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, अब पढ़ने वाले बच्चे भली नंबरवार है, परंतु हमको नंबर 1 में जाना है। ये हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए। हम दूसरों को फॉलो नहीं करते हैं, हम तो बाप को फॉलो करते हैं। तो प्रैक्टिकल में देखा जाए, जो बाबा की मुरली है, वो मुरली हमारे लिए सब कुछ है। मुरली अमृत भी है, मुरली शक्ति भी देती है, मुरली से प्रेरणा भी मिलती है, और मुरली से ही हमको कहीं अपनी जो गलतियां है या जो कमजोरियां है, उसके लिए भी बाबा हमको कुछ न कुछ शिक्षाएं देता है। तो 3 प्रकार से मुरली लोग सुनते हैं। एक सुनते हैं घर में, खुद पढ़ लेते हैं, कहते हैं हम खुद ही पढ़ लेंगे, हमको क्या जरूरत है क्लास में जाने की। दूसरा, आजकल सभी जो है कैसे मुरली सुनते हैं, फोन के द्वारा सुनते हैं, इंटरनेट के द्वारा सुनते हैं। और तीसरी मुरली है जो क्लास में रेगुलर आके भगवान की जो मुरली सुनते हैं, क्लास में बैठ के जो मुरली सुनते हैं, वो है नंबर 1। क्योंकि ताली प्रभु बजाओ के जो शुरू से क्लास लेकर वाले। कि बच्चे रोज क्लास में आओ, एक दिन क्लास बच्चों की मिस नहीं होनी चाहिए। भली नहीं बाबा कहता घर में बैठ के मुरली सुनो, तो मैं आज आप लोगों को ये अंतर सुनाती हूँ एक क्लास में मुरली सुनने का, और इंटरनेट पे जो मुरली सुनते हैं उसमें क्या अंतर है। क्योंकि आप सभी भाई बहने जिस समय पर ये बीच में 2 साल 2 महीने हमारा ये सेंटर थोड़ा
बंद हुआ था तो आप सभी घर में बैठ के इंटरनेट पे मुरली सुनते थे, वो तो मजबूरी थी। लेकिन अब तो कोई वो मजबूरी नहीं, अब तो सब सेंटर्स खुल गए हैं, सभी सेंटर पर स्टूडेंट आने लगे हैं। तो प्रैक्टिकल में देखा जाए क्लास की मुरली सुनने से फायदा क्या है। क्लास में जब बैठते हैं मुरली सुनने, एक तो अटेंशन रहता है, दूसरा एकाग्रता रहती है, तीसरा वायुमंडल का बहुत प्रभाव होता है, चौथा जब संगठन में बैठ के मुरली सुनते हैं उसकी भी शक्ति होती है, और टीचर के सामने बैठ के सुनेंगे तो ध्यान ज्यादा रहता है। घर में मुरली सुनते हैं, कभी फोन आ गया, कभी कोई मिलने वाला आ गया, कभी मैसेज आ गया, वो सुनने लगते हैं। मुरली भी पढ़ते हैं और मुरली सुनते भी हैं। तो मैंने देखा है कई लोग इंटरनेट पर जब क्लास करते हैं तो काम भी करते रहेंगे, मुरली भी सुनते रहेंगे। आप बताओ उस मुरली से क्या हमको शक्ति मिलेगी? हमने देखा है, खुद भी देखा है, ऐसे कईयों को, माताओं को, भाइयों को, काम भी करते रहेंगे, कहेंगे बाबा कहता है तुम कर्म योगी हो ना। अब कर्म योगी का मतलब ये थोड़े ही कि आप मुरली के समय पर भी कर्म करो। मधुबन के अंदर जब हम मुरली सुनते हैं क्लास में बैठ के, बाबा हमको डायरेक्ट बिठा के मुरली सुनाता था, और खासकर सभी का अटेंशन से, शालीन से हम मुरली सुनते थे। कोई भी इधर उधर चुरपुर होती नहीं थी, अशांति नहीं होती थी। तो ये जो रस्म है या ये जो मर्यादा है, ये भगवान ने हमको सिखाई है। तो मैं समझती हूँ कि जो इंटरनेट पे मुरली सुनने की जो आदत पड़ गई है, क्योंकि क्या हुआ कि जब हम इंटरनेट पे मुरली सुनते थे तो कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर से निकलना नहीं, सवेरे जल्दी उठे, देरी से उठे, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब हम क्लास में आते हैं तो हमारे उठने का नियम भी पक्का रहता है। हम सवेरे जल्दी उठेंगे, तैयार होंगे, जितने कदम चल के आएंगे उस कदमों में पदम होगा, और अगर वहां आकर के मुरली सुनेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। घर बैठे हैं, घर बैठ के सुन तो रहे हैं, लेकिन उस समय और भी विचार आते हैं, घर के ख्याल आते हैं, किसी संबंधी की याद आती है, क्योंकि वो वातावरण नहीं होता। इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप सभी जो बाबा के बच्चे हैं, इतने पुराने हैं, निश्चय बुद्धि हैं, प्रीत बुद्धि हैं और गॉडली स्टूडेंट अपने को समझते हैं, तो क्लास की मुरली की जो वैल्यू है वो बहुत ऊंची है। मुझे इतने वर्ष हुए हैं, 60 वर्ष तो हो गए मुरली सुनते सुनते क्लास में, आज दिन तक भी मैं हमेशा मुरली सुनाती नहीं हूँ परंतु सुनती हूँ, परंतु नीचे आके क्लास में बैठ के मुरली सुनती हूँ। मैं ऊपर बैठ के भी सुन सकती हूँ, ऊपर बैठ के पढ़ भी सकती हूँ, पढ़ती भी हूँ, परंतु रेगुलर टाइम पर जो टाइम क्लास का होता है उसी टाइम पर रेगुलर मैं नीचे आती हूँ और मुरली क्लास में सुनती हूँ। तो मैंने देखा है कि उस सुनने से जो हमारी एकाग्रता है वो बहुत अच्छी रहती है, और उस मुरली सुनने से वो मुरली याद भी रहती है। समझो आप इंटरनेट पे मुरली सुनते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो आप किस कैसे प्रश्न पूछेंगे? अगर आप सामने बैठे हैं क्लास में मुरली सुन रहे हैं तो जरूरी आप टीचर से प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे उसी समय पूछो चाहे उठने के बाद पूछो। और टीचर के सामने बैठने से टीचर का भी हमारे ऊपर अटेंशन रहता है कि हम किस प्रकार से मुरली सुनते हैं। जैसे बाबा भी जब मुरली सुनाते थे तो बाबा सबको देखते थे, बच्चे मुरली कैसे सुनते हैं, मुरली में ध्यान बाबा की तरफ है या इधर उधर है।
तो इस प्रकार से जब टीचर के सामने बैठ के सुनेंगे तो टीचर को भी मालूम पड़ता है कि कौन कैसे मुरली सुनता है, कितनी लगन से मुरली सुनता है। आप सभी जानते हो कि जो गोप गोपियां थी उनको मुरली सुनते मस्त हो जाती थी। तो ऐसे ही हमारी स्टेज होनी चाहिए मुरली के टाइम पर। तो इसीलिए इंटरनेट पे मुरली तो सुन रहे हैं आप सभी, कई लोग हैं अभी तक भी उनको जो आदत पड़ी हुई है, क्योंकि आलसी हो गए, अलबेले हो गए, घर में मुरली सुनने से आलस्य आ गया, अलबेले हो गए, चलो घर में ही बैठ के सुनते हैं, बात तो एक ही है। परंतु उससे आप देखेंगे हमारे उठने का नियम जो है उसमें फर्क पड़ गया और सुनने में भी फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी गॉडली स्टूडेंट को एक विशेष बात सुनाती हूँ कि आप तो बहुत अच्छे बाबा के रायल बच्चे हो, निश्चय बुद्धि बच्चे हो, और जब से हमारा ये सेंटर बना है तब से लेकर के आप रेगुलर क्लास करते हो, और जो क्लास की शोभा बढ़ाने वाले तो आप ही है ना। और जब आप यहाँ आकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, तो सेंटर का वातावरण भी पावरफुल रहेगा, क्योंकि बाबा कहता है जैसी वृत्ति होती है वैसा वायुमंडल होता है, वाइब्रेशन होता है। कोई नया भी आके बैठे तो उसको भी वो शांति का, प्रेम का अनुभव होगा। अगर उस समय पर क्लास में थोड़े लोग बैठे हैं तो आप देखेंगे बाहर वालों को भी लगता है कि यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं, तो उनको भी प्रेरणा नहीं मिलेगी, उनको भी प्रैक्टिकल में उनको भी आने का मन नहीं करेगा। लेकिन जहाँ देखते हैं कि अरे इतने लोग आते हैं तो जरूर कुछ तो प्राप्ति होगी ना, नए नए लोग भी इस प्रकार से क्लास को देख के खुश भी होते हैं और उनको प्रेरणा भी मिलती है। मैंने खुद देखा है कि क्लास जब फुल क्लास होता है तो सभी बड़े खुश होते हैं, कभी छोटी क्लास होती है तो कहते हैं आज क्या हुआ, फलाना नहीं आया, फलानी नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो संकल्प चला ना, हमारे खातर भी दूसरे को संकल्प चले। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगी कि क्लास में आके मुरली सुनो। अभी आप बहुत पुराने हो गए हो, इसलिए जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के दूसरा करेगा। तो जो आने वाले भाई बहन नए हैं वो भी वही फॉलो तो आपको ही करेंगे ना, अगर आप नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिकल में ऐसा कोई कर्म हमको नहीं करना चाहिए जो हमको कोई फॉलो करे। बाबा को हमको फॉलो करना है, हमको किसी मनुष्य आत्माओं को फॉलो नहीं करना है। इसीलिए अगर आप सभी इस बात को आज सब दृढ़ संकल्प करो कि हम रोज क्लास में आके मुरली सुनेंगे, तो क्लास की शोभा बढ़ेगी, वाइब्रेशन अच्छा होगा, पावरफुल होगा, और उससे जो नया आएगा उसको भी प्रेरणा मिलेगी। तो कितनी ये भी सेवा है, बाबा कहता है सेवा करो। आज भी बाबा ने बताया ना कि बच्चे जो निश्चय बुद्धि है वो सेवा करते हैं। सेवा सिर्फ मुख से ज्ञान सुनाना नहीं है, हमारी चाल, हमारा चलन, हमारा व्यवहार, उठना बैठना, ये सब लोग नोट करते हैं। हम दूसरों को कहते हैं रेगुलर बनो, पंक्चुअल बनो, और हम खुद रेगुलर पंक्चुअल नहीं आएंगे तो दूसरा क्या समझेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो क्लास की मुरली है उसकी वैल्यू है। लेकिन क्योंकि हमको रोज क्लास मिलती है, चलो चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, आप ये याद रखो अब तो बाबा हमको मुरली सुनाते हैं। कोई ऐसा समय आएगा जो आपको मुरली न सुनाने वाला कोई मिलेगा न मुरली मिलेगी। देखा विशेष में जब विशेष दिन आए जो हम सभी ने देखे कि करुणा के टाइम पर मुरली को सुनना और मुरली का मिलना, जो रोज जिनको मुरली मिलती थी उनको नहीं मिलनी,
रोज नहीं देते दे सकते थे क्योंकि मूर्तियां आती कम थी। माउंट अबू से ही मूर्ति जब कम आती थी तो आपको कैसे देंगे। उस समय हमने देखा कि बाबा जो कहता है वो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। इसलिए ऐसा समय, नाजुक समय चल रहा है, अंतिम समय है, ऐसे अंतिम समय में अपना टाइम निकाल के श्री बाबा सिर्फ हमको 24 घंटे से 1 घंटा हमसे लेते हैं। क्लास में अगर हम आते हैं 1 घंटा, सवा घंटा, चलो 1.5 घंटा, लेकिन बाबा कहते हैं कि 24 घंटे में से आप गृहस्थी के टाइम पर सारा समय ले लो, परंतु 1 घंटा तो मेरे समय के लिए रखो। जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया, क्या उसके लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं। उस समय भी ये कहेंगे काम है, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सबसे अच्छा बहाना क्या सुनाते हैं, आज बहन जी मैं सवेरे सवेरे उठी, मेरे सिर में दर्द हो गई, इसलिए मैंने सोचा यही बैठ के मुरली सुन लो। अब सिर दर्द भी तब हुआ जब क्लास का टाइम हुआ, क्लास का टाइम पूरा हुआ तो सिर दर्द भी पूरा हो गया। ये सब बहानेबाजी और ये माया है। माया भी क्या करती है, देखती है ये कमजोर है तो वो भी उसी समय ये आती है जब हमको कुछ जरा सा कुछ होता है तो वो बढ़ा देती है। इसलिए आजकल माया जो है वो भिन्न भिन्न रूपों से एक्ट करती है। जैसे बाबा कहता है ना मैं बहुरूपी हूँ, आजकल माया भी बहुत बहुरूपी है। आप तो कभी कभी माया को पहचानेंगे ही नहीं कि माया कैसे आई। इसीलिए हमको कभी भी बहाना नहीं देना चाहिए। रिश्तेदारी में हम कोई बहाना नहीं देते हैं, घर का काम करते हैं उसमें कोई बहाना नहीं देते हैं। बहाना कहाँ देते हैं, जहाँ श्री बाबा की क्लास में जाना, जहाँ सेवा पे जाना है, फिर कोई ना कोई बहाना हो ही जाता है। कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई काम पर गया, अरे आगे पीछे काम करने के लिए बहुत समय आपके पास है। आजकल तो गर्मी का दिन है, इतना लंबा टाइम है, कितना बड़ा दिन है, तो क्या उसमें से हम परमात्मा के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप सभी जीके वालों को, जो भी बाबा के बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि प्रीत बुद्धि विजयंती, इसलिए अगर आप क्लास में आके मुरली सुनेंगे तो आपको ताकत ज्यादा मिलेगी, आपको आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। क्लास में घर में रह के कोई एकाग्रता नहीं होती है। मैंने देखा कई लोग होते हैं पानी पी रहे हैं, कई तो मुरली सुनते सुनते चाय पी रहे हैं, अब ये मुरली सुन रहे हैं, क्लास में चाय पियोगे। कईयों को मैंने देखा है वो कप में चाय पी रहे हैं, लेकिन जो सामने वाली टीचर है वो तो देख ही रही है ना। तो ये सब काम करते करते अगर हमने मुरली सुनी तो मुरली तो बुद्धि में जाएगी नहीं। अगर हम बाबा की मुरली सुनते हैं, ज्ञान ठीक तरीके से सुनेंगे तो योग भी अच्छा लगेगा। पढ़ाई नहीं ठीक करेंगे तो कमाई अच्छी नहीं होगी। और आजकल बाबा मुरली में कहता है बच्चे जमा खाता बढ़ाओ। हमारा जो जमा खाता है 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए जमा हो रहा है, तो जमा करने का जो समय है वो अमृत वेला। अमृत वेले का योग और बाबा की मुरली क्लास में एकाग्रता से रोज सुननी चाहिए, ये नियम है, मर्यादा है। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के मुरली नहीं सुनते तो फिर ब्राह्मण भी कैसे। बाबा इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों का सबसे पहले बाबा ने जो हमको मर्यादा सिखाई है, नियम बताए हैं, उन मर्यादाओं और शिक्षाओं पर चलना है। तो मैं समझती हूँ आप सब गॉडली स्टूडेंट है, नंबर 1 लेने वाले हैं, देंगे ना नंबर 1। फर्स्ट डिवीजन जाना है या सेकंड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन है सूर्यवंशी, सेकंड डिवीजन है चंद्रवंशी। अगर बाबा कहते हैं जो सूर्यवंशी में जाना चाहते हैं वो बाबा की मुरली को कभी भी आकर के एकाग्रता से न सुने तो सारा दिन कैसे धारणा होगी। आज भी बाबा ने कहा ना
कि जो जो जिन बच्चों को ज्ञान की धारणा कब होती है, गुणों की धारणा कब होती है, जो बच्चे बाबा ने कहा कि एक तो निश्चय बुद्धि होंगे और दूसरा जिनका बुद्धि योग देह और देह संबंधों से हटा हुआ होगा, नष्ट हुआ होंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी को यही विशेष आज सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इंटरनेट में मुरली सुनो भले लाचारी हालत है, कोई काम है, तबीयत ठीक नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन जब ठीक ठाक है, सब कुछ सारा दिन काम करते हैं, तो ये भी हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्म या अपने जीवन के लिए लाभदायक कर्म है, इसलिए इसको जरूर करना चाहिए। बाकी तो आप सभी बाबा के बहुत पुराने बच्चे हो गए हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने सुना कि आप सभी इंटरनेट पर ज्यादा लोग क्लास करते हैं, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा जीके वाले, अरे जब आप इतनी लंबी क्लास मैंने देखी थी, मैंने भी तो वहां आके क्लासेस कराई है ना, तो ऐसी प्रकार से अपनी क्लास को भरपूर रखो, अपने आप को ये समझो ये सेवा है। रोज हम क्लास में देखो कई स्टूडेंट जो आते हैं लेट आते हैं, उनकी आदत होती है लेट, जब गुड मॉर्निंग होगी तब क्लास में पहुंचेंगे, नमस्ते बाबा नमस्ते। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि शुरू हो जब क्लास शुरू होता है उसे 5-10 मिनट पहले ही आएंगे, तो लोग दूसरे फॉलो करते हैं कि देखो ये भाई जो है तो हमेशा क्लास से 5 मिनट पहले आता है, उसको भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी जल्दी आऊंगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक दूसरे की सेवा करो, जो नए चाहे पुराने हैं। रमेश भाई देखो वो हेल्डर, मेरा तो पक्का निश्चय आएंगे। इंटरनेट में जो मुश्किल है जिनको, उनकी बात तो अलग है, बाकी आएंगे तो नहीं आएंगे, इनको तो क्लास से प्यार है। ठीक है, ओके। हाँ जी, भट्टी में भी जाना है ना, है ना दीदी, मधुबन भट्टी में भी तो जाना है, फिर क्लास का रिकॉर्ड तो चाहिए ना, जिनको भट्टी में जाना है, भट्टी में भी जाना है अभी आप लोगों को, तो क्लास करेंगे तो भट्टी में जाएंगे ना, तब तो फायदा होगा। अगर क्लास में आने की आदत छूट गई तो भट्टी में कैसे वहां बैठेंगे, फिर मुश्किल लगेगा। इसीलिए क्लास में आओगे तो फिर भट्टी में जाके अपनी अवस्था को और पक्का बना के आएंगे। ठीक है, ठीक है सभी भाई बहनों, हाँ जी तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओम चांद, सभी हाँ जी बोल रहे हैं आपको, हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बॉम्बे महाराष्ट्र सब हाँ जी बोल रहे, दिल्ली वाले हाँ जी बोल रहे हैं, हाँ जी बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, अच्छा अच्छा ठीक है, करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स सबका, रमेश भाई आपका भी। Thank you.
ओम शांति। सभी हाथ हिलाएं।